आपके विरोधी हैं इमरान मसूद कह रहे हैं कि हमारी जीत तो 1 लाख से है, डॉक्टर साहब को तो कोई देख ही नहीं रहा। वैसे तो डॉक्टर के पास दुनिया जाती है, लोग जाते हैं, लेकिन आज डॉक्टर घर घर जा रहे हैं। नब्ज कैसी है, आप हाथ देखकर पहचान लेते हैं, तो कैसी नब्ज आपको दिखाई दे रही है सहारनपुर? इस वक्त जनसंपर्क अभियान चल रहा है सहारनपुर में, मैं हूँ और मेरे साथ है भारतीय जनता पार्टी से भाजपा प्रत्याशी अजय कुमार सिंह, उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर है और आज गली गली में है। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस इंडिया पर। वैसे तो डॉक्टर के पास दुनिया जाती है, लोग जाते हैं, लेकिन आज डॉक्टर घर घर जा रहे हैं। नब्ज कैसी है, आप हाथ देखकर पहचान लेते हैं, तो कैसी नब्ज आपको दिखाई दे रही है सहारनपुर? बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत ही स्वस्थ परंपरा के लिए वोट करने जा रहे हैं लोग, और जितनी स्वस्थ परंपरा के लिए उत्साह दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज़्यादा वोट छुपकर भी करने जा रहे हैं। लोगों ने अपने मन में बना लिया इस बार स्वस्थ परंपरा के लिए वोट करेंगे। नब्ज बहुत अच्छी है। आपकी नब्ज कैसी है, क्योंकि आप तो सब शांत है? मेरी नब्ज बिल्कुल शांत है, मैं पूरा आश्वस्त हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से कहीं तक की भी। तो रणनीति क्या है डॉक्टर साहब, इस बार सहारनपुर का ये चुनाव बहुत जबरदस्त है, विरोधी आप पर हमलावर हैं, कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब के पास तो पर्ची लेने जाना पड़ेगा, लाइन लगानी पड़ेगी, कैसे मिलोगे उनसे, आपकी क्या रणनीति है इस चुनाव में? भगवान उनको सद्बुद्धि दे और उनको बताए कि वो 5 वर्षों तक कहाँ रहते हैं, अभी 2-4 दिनों से इस तरह की बातें कर रहे हो, 5 वर्ष तक छुपे कहाँ थे? मुझे एक आदमी से इनमें पूछ के बताइए, इतनी बड़ी भीड़ है, क्या किसी के पास 5 वर्ष तक वो आए थे? अगर नहीं आए तो फिर इस तरह की बातें करने के लिए बस भगवान से प्रार्थना करूँगा, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। कैसा आपने अपना रोड मैप तैयार किया है सहारनपुर की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए, क्या आप करने वाले हैं बदलाव अगर मेयर बनते हैं तो? ये बहुत अभी आपके लिए बहुत जल्दी हो जाएगा, बस एक सूत्र है, हर नागरिक के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाना, हर नागरिक के जीवन में सुधार लाना, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इसके इर्द गिर्द काम करती हैं। डॉक्टर साहब अभी सवाल ये भी लगातार है कि आप मेयर बनते हैं तो जनता के बीच रहेंगे या फिर से अपना उसी प्रोफेशन में उतरेंगे डॉक्टर? ये देखिए, जब मैंने मन में चुना कि मैं राष्ट्र के प्रति आहुति दूंगा जीवन की, तो ये मेरा अपना निर्णय है, कोई निर्णय मेरे किसी के दबाव में नहीं लिया। हाँ, वो व्यक्तियों के लिए जो राजनीति है वो एक साधन है सिर्फ सत्ता में काबिज होने का, मेरे लिए राजनीति सिर्फ एक साध्य है, साधन है सेवा करने का, और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। मैं मुकाबला किससे, समाजवादी भी है, बसपा भी है, इमरान मसूद मैदान में? हम एक विचारधारा की पार्टी, हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, पूरी भारत में प्रचंड बहुमत के साथ सरकारें बन रही, हमारी विचारधारा आपके विरोधी हैं इमरान मसूद कह रहे हैं कि हमारी जीत तो 1 लाख से है, डॉक्टर साहब को तो कोई देख ही नहीं रहा। हम उनकी बातें, मतलब उस पर जवाब देना मेरे लिए उचित नहीं होगा। हम लोग एक पॉजिटिव नरेटिव लेके, एक सकारात्मक सोच लेके चुनाव में, और वो तो हमेशा नकारात्मक सोच से चुनाव लड़ते हैं, उनका मन उनकी इच्छा, लेकिन इस बार ये पक्का है, लोगों ने मन में बना लिया है कि उनको राजनीति से बाहर का रास्ता दिखा देंगे वो। बाहर का रास्ता, योगी जी भी आए थे मैदान में यहाँ पर, और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर तमंचे का दौर चला गया, अब तो यूपी चंगा है, कर्फ्यू नहीं है, आप किस तरीके से देखते हैं? जो देखिए, पूरे प्रदेश में सुधार हो रहा है वो आप देख रहे हैं, परम यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है। एक स्पष्ट इरादा उनका, बिना जाति धर्म वेशभूषा और जाति और अपना भाषा जाने, सबका विकास करना, सबको साथ लेकर चलना, और उसी पे देश काम कर रहा है, उसी पे प्रदेश काम कर रहा है। बड़ी जल्दी में आखिरी सवाल, आरोप लगते हैं बीजेपी पर तो कि ये तो बांट कर राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, लेकिन मैं देख रहा था डॉक्टर साहब की कई मुस्लिम भाई भी आपके साथ लगे हुए हैं, आखिर किस तरीके से आप ये सब देख रहे हैं? ये अभी कुछ सवाल पहले मेरे को आप एक संख्या बता रहे थे, ये संख्या क्या थी, बांटने वाली थी या इकट्ठा करने वाली थी? संख्या तो बांटने वाली थी, तो वह लोग आरोप लगा रहे हैं जो खुद ही संख्याएं बता के बांट रहे हैं, तो आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, जनता समझदार हो गई। विधायक जी का साथ मिल रहा है, विधायक जी जनप्रतिनिधि है, बहुत लोकप्रिय जनप्रतिनिधि है, इन विधायक जी का भी साथ मिल रहा है, हमारे 5 विधायक उनका साथ मिल रहा है, हमारे निवर्तमान सांसद उनका साथ मिल रहा है, हमारे निवर्तमान महापौर उनका साथ मिल रहा है, हमारे सारे पूर्व विधायक का साथ मिल रहा है, हमारे जिला पंचायत में अध्यक्ष उनका साथ मिल रहा है, तो भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतती जा रही है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत धन्यवाद, ये डॉक्टर अजय सिंह जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि बहुत आश्वस्त हैं और लगातार उनको सबका साथ मिल रहा है। आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रहे हैं एडवांस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी।